लौह पुरुष भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर नगर निगम सभागार में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस मौके पर नगर आयुक्त अविनाश सिंह सहित नगर निगम के अन्य अधिकारियों ने सरदार पटेल के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की, जिसके संबंध में नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह ने बताया कि 31 अक्टूबर सरदार पटेल की जयंती को राष्ट्रीय अखंडता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस मौके पर उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई है तथा उनकी जयंती पर राष्ट्र की एकता व अखंडता का शपथ लिया गया है और उनके आदर्शों व सिद्धांतों पर चलते हुए देश हित में कार्य करके जिले व देश का नाम रोशन किया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने कहा, अपर नगर आयुक्त साहब, उप नगर आयुक्त साहब, मुख्य अभियंता साहब, नगर स्वास्थ्य अधिकारी, हमारे जितने भी अधिकारीगण हैं, जोनल प्रभारी हैं, कृपया पुष्पांजलि और माल्यार्पण करने का आकाश करें। 146वीं और ये हमारी एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए बहुत ही जरूरी माहौल रंगोली में देखेंगे। अचानक आपके तौर पर जम्मू एंड कश्मीर अपन पड़ी तालिबान का हृदय होगा, अगल बगल हमारे कंट्री में चाहे वहाँ कहें तो बहुत से आस पास के जो देश होते हैं जो भी हमारे देश जो ये एकता है अखंडता है कई बार कोशिश करते हैं और उसको कुछ अपने ही लोग सपोर्ट कर देते हैं, तो हम सबको मिलकर प्रयास करना चाहिए। आज 31 अक्टूबर राष्ट्रीय अखंडता दिवस के अवसर पर हम लोगों ने भी सफल किया, उस सफल में सच्चे अक्षर को अपने जीवन में लेकर लाभ करें और पूरा प्रयास करें हमारे देश की जो एकता और अखंडता है हर हालत में दिनों दिन और मजबूत होती है और हम पूरे विश्व को ये मैसेज देने में कामयाब रहे कि कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक हिंदुस्तान एक। जैसा कि आप सभी लोगों के संज्ञान में होगा कि आज 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय अखंडता दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती है और इस जयंती के मौके पर, राष्ट्रीय अखंडता दिवस के मौके पर, नगर निगम के समस्त अधिकारियों और कर्मचारियों को शपथ दिलाई गई कि वो आने वाले अपने समय में राष्ट्र की एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा दिखाए गए आदर्शों और सिद्धांतों पर चलते हुए हर कीमत पर राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक हिंदुस्तान एक है और एक बना रहेगा। आज की शपथ का मूल मंशा यही थी।